हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम सरफेस केमिस्ट्री से जो आपका कैटालिस्ट टॉपिक चल रहा है, आज उससे हम पढ़ेंगे। देखिए क्या पढ़ते हैं आज, ठोस उत्प्रेरकों के प्रमुख लक्षण, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट। तो ठोस उत्प्रेरकों के प्रमुख लक्षण दो हैं और दोनों लक्षणों को हम देखते हैं। पहला आपका सक्रियता एक्टिविटी और दूसरा आपका है सिलेक्टिविटी, चयनात्मकता या वर्णात्मकता कहते हैं। पहले हम देखते हैं सक्रियता देखते हैं। देखिए सक्रियता क्या होती है, यहाँ पर लिख रखे हैं, आप इसी तरीके से नोट्स बना लेंगे इसका। तो किसी ठोस उत्प्रेरक की जो सक्रियता, किसी ठोस उत्प्रेरक की सक्रियता रासायनिक अधिशोषण की क्षमता पर, रासायनिक अधिशोषण यानी कि रासायनिक क्रिया हो, रासायनिक क्रिया हो जो आपका अधिशोषक पदार्थ है ठोस, और इस पर आपका जो अधिशोषक जो आपका है ये उत्प्रेरक है, और इस पर कोई अभिकारक अणु आकर इसकी सतह पर अगर चिपक जाता है, केवल इसकी सतह पर आकर चिपके, तो वह घटना क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। जैसे कोई ठोस पदार्थ है, यहाँ उत्प्रेरक आपका क्या है, ठोस है, तो इसकी सतह पर आकर कोई पदार्थ आकर क्या हो जाता है, और कौन आएंगे, अभिकारक अणु आएंगे। तो इस अभिकारक अणु इसकी सतह पर अगर आ जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। यानी कि अधिशोषण मतलब ऐसी घटना होती है जो कि कोई पदार्थ आकर किसी ठोस पदार्थ की सतह पर क्या हो जाए, आकर चिपक जाए। यानी कि सतही घटना होती है, एक पृष्ठीय घटना होती है अधिशोषण। ठीक है, तो अधिशोषण यह है किसी पदार्थ के ऊपर किसी दूसरे पदार्थ का आकर क्या है, चिपकना, उस पर जमा होना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। तो यही कह रहा है अधिशोषण हो, लेकिन अधिशोषण आपका आगे हम पढ़ाएंगे अधिशोषण के बारे में। तो अधिशोषण आपका ये रासायनिक अधिशोषण है, भौतिक अधिशोषण नहीं। तो रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, केमिकल बांड, थोड़ा रासायनिक बंध इसमें बनता है। तो यही है, किसी ठोस उत्प्रेरक की सक्रियता रासायनिक अधिशोषण की क्षमता पर निर्भर करती है। उत्प्रेरक की सक्रियता के लिए यह आवश्यक है, जो उत्प्रेरक है उसकी सक्रियता के लिए, उत्प्रेरक की सक्रियता के लिए यह आवश्यक है कि अभिकारक अणु पर्याप्त मजबूती से उत्प्रेरक की सतह से अधिशोषित हो, पर्याप्त मजबूती के साथ, पर्याप्त नहीं बहुत ज्यादा मजबूती के साथ नहीं, बस पर्याप्त सफिशियंट जो है मजबूती के साथ क्या हो, उस अधिशोषक की सतह से क्या हो जाए, अधिशोषित हो। लेकिन उन्हें इतनी मजबूती से भी नहीं अधिशोषित होना है कि वे सतह पर अचल हो जाए, कि वहां से हट ही ना पाए। यानी कि इस अधिशोषक की सतह से जो ये आपका है, ये अधिशोषक है, ये क्या है, अधिशोषक, अधिशोषक ये आपका क्या है, अधिशोषक है। तो अधिशोषक की सतह पर जो अभिकारक अणु आ रहे हैं, ये अभिकारक जो अणु आ रहे हैं, ये आपका उत्प्रेरक है। अधिशोषक सतह कैसा है, उत्प्रेरक यानी कि ठोस आपका होगा, वो होगा अधिशोषक। तो इसकी सतह पर ये आए, इतनी मजबूती से भी नहीं अधिशोषित होना चाहिए कि वो सतह पर अचल हो जाए, कि इसकी सतह से अभिकारक अणु फिर हट ना सके, ऐसा नहीं आप यहाँ पर जुड़ना इसको। पर्याप्त मजबूती के साथ यानी कि यह कमजोर बंध के द्वारा ये जुड़े, बहुत मजबूती के साथ स्ट्रांग बांड के द्वारा नहीं जुड़ना है इनको, और अन्य अभिकारक अणु सतह पर अधिशोषित हो ही ना सके। क्योंकि अन्य अभिकारक, जब तक ले एक अभिकारक अणु उसकी सतह से नहीं हटेगा, तब तक ये दूसरा अभिकारक अणु उसकी सतह पर आएगा भी नहीं। इसलिए इनको, अभिकारक अणु को ठोस की सतह पर एक पर्याप्त जो है मजबूती के साथ, केवल एक पर्याप्त मजबूती के साथ इनको, इनके साथ केवल आपको जुड़ना है, एक ऐसा रासायनिक बंध इसके साथ जुड़ना है कि वो बहुत लूजली हो और वो टूट जाए। जैसे हम इस पर लिखे हैं यहाँ पर, अगर इसको क्या कहें, ऐसे जरा सा इस पर हटा देंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से अधिशोषित होना चाहिए इसकी सतह पर, बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं। ठीक है, तो ये आप जो है इसको लिख लेंगे इस तरीके से। जैसे हाइड्रोजनीकरण में देखा गया है, लाइट चली गई है, ठीक ओके। जैसे हाइड्रोजनीकरण में देखा गया है, हाइड्रोजन का किसी के साथ संयोग करना, किसी अभिकारक के साथ संयोग करना क्या है, ये प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रहा है, और क्या बन रहा है आपका, जल बन रहा है। तो प्लैटिनम उत्प्रेरक, तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन का किसी उत्प्रेरक के साथ जुड़ना, हाइड्रोजन का किसी उत्प्रेरक के साथ जुड़ना उस उत्प्रेरक की, उस धातु की आवर्त सारणी में स्थिति पर डिपेंड करती है, कि वो
तत्व वह धातु वह उत्प्रेरक आवर्त सारणी में उसका पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, इस बात पर डिपेंड करती है। देखा गया है ज्यादातर देखा गया है पांच से लेकर आवर्त सारणी में समूह पांच से लेकर समूह ग्यारह तक जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उस धातु की सक्रियता क्या होगी, बढ़ेगी। और ये कौन से धातु होंगे, मुख्यतः ये डी ब्लॉक के होंगे। कौन से होंगे, डी ब्लॉक के तत्व होंगे। आपने एक कैरेक्टर पढ़ रखा है 11th में, डी ब्लॉक के तत्व अधिकांशतः उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब ये पांच से लेकर जो आपके पांच से लेकर ग्यारह तक के समूह है, ये क्या करते हैं, आगे जैसे जाएंगे पांचवें समूह से ग्यारहवें समूह तक डी ब्लॉक में आप जाएंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे उत्प्रेरक की सक्रियता, उस धातु की सक्रियता क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जब डी ब्लॉक के तत्व ही आपने कैरेक्टर पढ़ रखा है, डी ब्लॉक के तत्व तो अधिकांशता जो होते हैं उत्प्रेरक के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं, अब हम आपको समझाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व ही ज्यादातर जो है उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं। समूह पांच से लेकर ग्यारह तक जाने पर क्या होती है, इनकी उत्प्रेरक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि जैसे हम डी में क्या होगा वन होगा, डी में क्या होगा टू होगा, डी में थ्री होगा, डी में क्या होगा फोर होगा, डी में फाइव होगा, और डी में क्या होगा सिक्स, डी में क्या होगा सेवन, डी में एट, और डी में क्या होगा नाइन, और डी में क्या होगा टेन। अब देखो जैसे यहाँ पर आप जानते हैं कि डी में क्या होते हैं पांच जो है ऑर्बिटल्स जो है होते हैं, और इनमें अगर एक पांचवे वाले में देखा जाए, डी फाइव वाले में देखा जाए, तो इसमें पांच अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, पांच अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो किसी उत्प्रेरक की जो क्षमता होती है, सक्रियता होती है, किसी उत्प्रेरक की जो क्षमता यानी कि जो सक्रियता होती है, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। किस पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर निर्भर करती है। यानी कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, उस डी ब्लॉक के तत्व की सक्रियता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि उसमें उतना ही मुक्त संयोजकताएं क्या होंगी, ज्यादा होगी, और ये अच्छे जो है अधिशोषक की भांति जो है व्यवहार कर सकेंगे। ठीक है, तो इस पर यानी कि जैसे जैसे एक है, अभी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो है, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तीन है, तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, चार है, चार अयुग्मित, पांच है, तो ये मैक्सिमम यहाँ पर है। अब जैसे आगे जाते हैं, अब जैसे मान लीजिए छह में गए तब आपका पेयरिंग शुरू हो जाएगा, सात में गए फिर पेयरिंग शुरू हो जाएगा, इस तरीके से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट रही है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे एक से लेकर पांच तक हम जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, यानी कि मध्य तक जाते हैं तो बढ़ती है, और इसके बाद आगे जब जाते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, घटती है। तो जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इस धातु ठोस उत्प्रेरक की सक्रियता क्या होती है, बढ़ती जाती है, वैसे से बढ़ती जाती है, और फिर क्या होती है, फिर घटती जाती है। तो पहले एक बार तो बढ़ती है मध्य तक, यानी कि फाइव तक जाने पर मैक्सिमम हो जाती है, बढ़ती है, फिर आगे जैसे जाते हैं वैसे क्या होती है, घटती भी है। आपको ये समझ में आ गया होगा डी ब्लॉक के तत्व ही क्यों उत्प्रेरक के रूप में ज्यादा प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको मिलती है। तो जिसमें पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी सक्रियता क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इनकी भी सक्रियता है लेकिन इसकी अपेक्षा इनकी कम है, और इनकी भी क्या है, कम है, जबकि इनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए हाइड्रोजनीकरण में इनकी हाइड्रोजनीकरण जो होती है, इन धातुओं के साथ जो होती है हाइड्रोजनीकरण में जो यूज किए जाते हैं ये धातु, वो इनकी सक्रियता किस बात पर डिपेंड कर रही है, ये आवर्त सारणी में इनकी पोजीशन क्या है, इनकी स्थिति क्या है। तो यानी कि आवर्त सारणी में पांच से लेकर ग्यारह तक के समूह में जैसे आप जाएंगे, जैसे ही आगे आप मध्य में जाएंगे वहां पर उस धातु की उस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता आपको अधिकतम मिलेगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इसीलिए यहाँ पर ये यूज किया गया। तो इसको आप नोट्स बना लेंगे, इस तरीके से आप सुन के समझ लेंगे। ठीक है,
इसीलिए हाइड्रोजनीकरण में और भी एग्जांपल हम आपको दें तो हाइड्रोजनीकरण में और भी एग्जांपल आप यूज करते हैं, जैसे आपका एथिलीन है तो इस पर आप हाइड्रोजनीकरण आप करते हैं। हाइड्रोजनीकरण निकिल उत्प्रेरक लगता है जो कि ये डी ब्लॉक का ही एलिमेंट्स है, तो ये जो है 300 डिग्री सेल्सियस पर ये इसके साथ क्या बना लेता है आपका एथेन, जो डबल बॉन्ड आपका होता है ये पाई बॉन्ड यानी कि होता है ये टूट जाता है और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाता है दोनों में से एक एक, है ना। तो ये बन जाता है आपका एथीन से क्या बन जाता है, एथीन से क्या बन जाता है, एथेन बन जाता है, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से भी एग्जांपल आपको दिया गया प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, तो ये भी एक हाइड्रोजनीकरण ही यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल इसमें आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा सक्रियता किस बात पर डिपेंड करती है और डी ब्लॉक के तत्व ही क्यों उत्प्रेरक के रूप में यूज किए जाते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों के ही ऑर्बिटल में क्या होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलते हैं, और जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा उनकी सक्रियता क्या होगी उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। तो मध्य में एकदम अधिक होती है और इधर और इधर क्या होती है आपकी कम होती है, ठीक है। आगे देखिए, ये तो पहला आपका कैरेक्टर्स हो गया, दूसरा आप देख लीजिए, फिर वह आपका सक्रियता हो गया, दूसरा आपका क्या वर्णात्मकता है या चयनात्मकता यानी कि सेलेक्टिविटी। तो आपको याद ही रहेगा ठोस उत्प्रेरक के प्रमुख लक्षण क्या, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, ऐसे आप याद कर लेंगे। देखिए किसी उत्प्रेरक की वर्णात्मकता क्या किस बात पर डिपेंड करती है, अभिकारक को विशेष उत्पाद में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। तो वर्णात्मकता किसे कहते हैं, सेलेक्टिविटी किसे कहते हैं, किसी उत्प्रेरक की वर्णात्मकता जो होती है अभिकारक को, कोई भी अभिकारक अणु हो, अभिकारक को विशेष उत्पाद में परिवर्तित करने की क्षमता जो होती है इसी को हम कहते हैं वर्णात्मकता कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपको एग्जांपल ये आपको दिया गया है तो फिर भी आप एग्जांपल फिर से आप देखें और भी एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। जैसे आपको बताया गया हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के संयोजन पर भिन्न भिन्न उत्प्रेरक की उपस्थिति में भिन्न भिन्न उत्पाद क्या होते हैं बनते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन निकिल उत्प्रेरक लगाया गया है तो यहाँ आपको क्या बन रहा है, मीथेन और जल बन रहा है। यहीं पर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ही है लेकिन यहाँ कॉपर ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड का ये उत्प्रेरक के रूप में काम करता है और ये वर्धक के रूप में हमने बताया कार्य करता है। 300 डिग्री सेल्सियस 200 टीएम दाब पर मेथेनॉल बनाता है, मेथिल अल्कोहल बनाता है। फिर यही देखिए उत्पाद उत्प्रेरक जैसे जैसे बदल रहे हैं, अभिकारक आपके वही हैं लेकिन जैसे जैसे उत्प्रेरक को बदला जा रहा है वैसे वैसे आपको क्या प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, भिन्न भिन्न आपको प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। तो भिन्न भिन्न प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं तो यहाँ से क्या मिला आपको, फॉर्मेल्डिहाइड कॉपर की उपस्थिति में देखा गया मिला फॉर्मेल्डिहाइड। तो यानी कि क्या है यहाँ पर उत्प्रेरक की क्या है अपनी एक उत्प्रेरक की प्रकृति यहाँ आपको क्या दिख रही है कि उसकी प्रकृति कैसी है, वर्णात्मक प्रकृति है, क्योंकि ये खुद सिलेक्ट कर रहा है कि हमें इससे क्या करना है, इस इनके इनसे इनसे क्या हमें प्रोडक्ट बनाना है, ये आपका कैटलिस्ट खुद सिलेक्ट कर रहा है, सिलेक्टिविटी कर रहा है कि हमें प्रोडक्ट क्या करना है बनाना है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ दे दिया जाए, आटा दे दिया जाए, तो कई लोगों को आपको दे दिया जाए आटा, किसी को दे दिया जाए और कहा जाए क्या क्या आप बनाएंगे, तो सभी की अपनी इच्छा होगी कुछ ना कुछ बनाने की, कोई से रोटी बना देगा, कोई से पूरी बना देगा, कोई से परेठा बना देगा। तो ये उस व्यक्ति पर डिपेंड कर रहा है वो क्या बना सकता है, उसके अंदर कौन सी क्वालिटी है वो क्या बना सकता है। उसी तरीके से यहाँ इनकी अपनी वर्णात्मकता है उत्प्रेरक की, इन्होंने एक ही प्रोडक्ट दिए गए हैं, एक ही रिएक्टेंट दिए गए हैं लेकिन ये प्रोडक्ट क्या है अलग अलग बना रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल तो आपका ये हमने इस तरीके से दिया, दूसरा एग्जांपल आप देखिए, जैसे आपका एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल जो आपका है ये कापर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ये बनाता है एस्टर एल्डिहाइड बनाता है और हाइड्रोजन बन जा निकलता है। ये हाइड्रोजनीकरण का डिहाइड्रोजिनेशन का उदाहरण है और यही क्या है आपका एथिल एल्कोहल होता है और इसको एल्मुना उत्प्रेरक की उपस्थिति में 270 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है यहाँ पर आपका एथिलीन बन जाता है और क्या बनता है आपका यहाँ पर निर्जलीकरण हो गया। ये निर्जलीकरण का उदाहरण है, ये निर्जली
करण यहाँ पर हो गया, और ये क्या है रिहाइड्रोजिनेशन, रिहाइड्रोजिनेशन है, रिहाइड्रोजिनेशन का हाइड्रोजन निकल रहा है इसमें, जल निकल रहा है, निर्जलीकरण। तो आप देख रहे हैं उत्प्रेरक ने खुद सिलेक्ट किया, ये एल्कोहल एक ही आपके रिएक्टेंट है, लेकिन यहाँ पर उत्प्रेरक ने खुद सिलेक्ट किया हमें क्या बनाना है, ये अपना अलग बना रहा है, एल्डिहाइड बना रहा है, ये क्या बना रहा है, एथिलीन बना रहा है। तो ये क्या होती है हमें सिलेक्टिविटी होती है उत्प्रेरक में। तो ये आपका रहा आज ठोस उत्प्रेरकों के प्रमुख जो है लक्षण, रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी। तो आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर हम आपको सरफेस केमिस्ट्री से नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर जो है हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और आपका हमारा वीडियो अगर बनाना पसंद होता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लिए इतना जो है मेहनत किया जा रहा है, तो आप लाइक और शेयर जरूर करें, कम से कम लाइक तो कर दिया करिए आप लोग, लाइक तो कम से कम बनता है, लाइक तो कर ही दीजिए आप, ठीक है। थैंक यू, वेरी गुड।